और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कई बड़े दावे किए जा रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर जेल में बंद अरविंद केजरीवाल को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार को आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रची जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। शराब घोटाले की जांच में ईडी ने उन्हें आरोपी बनाया है, लेकिन अब केजरीवाल की डाइट पर सियासी फाइट हो रही है। जेल में केजरीवाल की शुगर डाइट पर सियासी बवाल हो गया है। एक तरफ जहां ईडी ने केजरीवाल पर जानबूझकर शुगर लेवल हाई करने का आरोप जड़ा है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि जेल में केजरीवाल को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कि अरविंद केजरीवाल को बिना इंसुलिन के एक तरीके से उनकी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। जब आपकी लंबे समय तक शुगर बढ़ी रहेगी तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी, आपका लिवर इफेक्ट होगा, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आप अंधे हो सकते हैं। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के सारे वाइटल ऑर्गन्स खराब हो जाएं, वो अस्पताल में पहुंच जाएं और धीरे धीरे एक स्लो डेथ जो है उनकी हो जाए, ये है षड्यंत्र केंद्र सरकार का। केजरीवाल की सेहत को लेकर अभी चर्चा हो ही रही थी कि आम आदमी पार्टी ने चौंकाने वाला दावा किया। इस पूरे मामले को समझने से पहले जान लीजिए आखिर केजरीवाल की सेहत को लेकर मामला आखिर है क्या। केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है। वो शराब घोटाले केस में तिहाड़ जेल में बीते 20 दिन से बंद है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है, साथ ही उन्हें घर का खाना खाने की परमिशन भी दी है। 18 अप्रैल को केजरीवाल के वकील ने ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल की, केजरीवाल के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि केजरीवाल तिहाड़ जेल में जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए, उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। इस केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। अब उनके इंसुलिन और डॉक्टर से कंसल्टेशन की अपील पर 22 अप्रैल को फैसला आएगा। अदालत की दहलीज से बाहर इस मामले में आम आदमी पार्टी अब केंद्र पर केजरीवाल के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी पर आरोप लगाया है कि केंद्र के इशारे पर केजरीवाल को शुगर कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन देने से मना कर दिया गया। इधर तिहाड़ के डीजी संजय बेनीवाल ने एम्स को चिट्ठी लिखी, दिल्ली सीएम केजरीवाल के लिए सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट अपॉइंट करने को कहा। लेटर को आम आदमी पार्टी ने भी शेयर किया। इस बीच दिल्ली के मंत्री आतिशी तिहाड़ जेल के सामने इंसुलिन लेकर पहुंची। उन्होंने केंद्र को ब्रिटिश राज से भी ज्यादा क्रूर बताया। इससे पहले आतिशी आरोप लगा चुकी कि केंद्र सरकार केजरीवाल को मारने की साजिश कर रही है। हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल से नफरत है। हमें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल जी से नफरत है, लेकिन अब क्या आप उनकी जान लोगे? 300 शुगर लेवल पहुंच गया है। इतने हाई शुगर लेवल पे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, आंखों पे असर पड़ता है, लिवर पर असर पड़ता है, किडनी पर असर पड़ता है। तो आज दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी के लिए इंसुलिन भेजी है और आज हम तिहाड़ प्रशासन को इसे देने के लिए आए हैं कि अगर आप अरविंद केजरीवाल जी को इंसुलिन नहीं दे सकते हैं तो दिल्ली के लोग उनके लिए इंसुलिन भेज रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिनकी एमएलसी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में हुई, अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए उन्होंने क्यों छुपाया। उन्होंने कहा कि मैंने इंसुलिन कई महीनों से बंद कर दिया लेना, तेलंगाना के एक डॉक्टर की सलाह पे मैं एक टैबलेट ले रहा हूँ। अगर एक बीमार व्यक्ति खुद ही ये बता रहा है कि मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है तो अधिकार कहाँ गया उसमें? झूठ बोलना, बार बार बोलना, ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। उनके नेता इस तरह का प्रोपेगेंडा करते रहते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी इंडिया गठबंधन की रैली में केंद्र पर गंभीर आरोप लगाया। केंद्र सरकार अरविंद केजरीवाल को मारना चाहती है। सुनीता केजरीवाल ने चौंकाने वाला दावा झारखंड में किया। 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, 50 यूनिट हर रोज लेते हैं, लेकिन जेल में इंसुलिन नहीं देंगे। मारना चाहते हैं ये लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री को। दिल्ली शराब घोटाले केस में केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। तिहाड़ के अंदर उनकी सेहत को लेकर रोजाना मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने सनसनीखेज खुलासा किया। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केजरीवाल को तिहाड़ में धीमी मौत दी जा रही है। आम आदमी पार्टी
एक और कदम आगे बढ़ते हुए इल्जामों की बौछार कर रही है, लेकिन बीजेपी इसे आम आदमी पार्टी की नौटंकी बता रही। बीजेपी का कहना है कि सहानुभूति बटोरने के लिए आम आदमी पार्टी नई नई कहानियां गढ़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।